ये शादी मैं नहीं करूंगी। रचना, अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती जिब्रान। Really? हाँ जिब्रान, मुझे तो अब पता चला है कि मोहब्बत होती क्या है। तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने मुझे नई जिंदगी दी है जिब्रान। अब तो मुझे नौफल के साथ हर गुजरा हुआ लम्हा में काना लगता है, जिसे मैं मोहब्बत समझती थी। मोहब्बत तो ये है जिब्रान, जो तुम मुझसे करते हो। वाह जिब्रान वाह, तूने तो छक्का मार दिया यार। वो लड़की जो कल तक तुझ पे नजर नहीं डालती थी, आज तेरी मोहब्बत में मरी जा रही है। शहद को गए इतनी देर हो गई, अब तक फोन नहीं किया उन लोगों ने। आप परेशान ना हो, टेंशन ना ले, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। बस अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची की खुशियों को नजर ना लगे। खुशियां तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है नानी जान, पता नहीं अब क्या होने वाला है। फायजा, रोशना कहाँ है? अम्मा आई नहीं अभी तक। क्या मतलब अभी तक नहीं आई? गुल तो कब की आ गई है, उसका पेपर भी खत्म हो गया। पता नहीं अम्मा, मुझे तो पता होना चाहिए तुम्हें। फायजा, बच्ची घर से गई है, यूनिवर्सिटी से सीधा घर आना चाहिए था उसे। मैंने कॉल की थी, उसने रिसीव नहीं की, बिजी होगी शायद। गुल तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई वो अभी तक? उसका पेपर खत्म नहीं हुआ था क्या? जी, वो पेपर तो खत्म हो गया था नानी, लेकिन उसकी दोस्त सारा है ना, वो उसको ट्रीट के लिए ले गई और कृष्णा चली गई। वापसी में सारा उसको ड्रॉप कर दी। कृष्णा सारा के साथ गई है? अल्लाह खैर ही करे, कोई उल्टा सीधा कदम ही ना उठा ले। हाँ शहूद बेटा, बताओ सब खैरियत है? आफा की अम्मी की हालत काफी सीरियस है। क्या आफा की अम्मी की हालत सीरियस है? और आफा? आफा तो खतरे से बाहर है, लेकिन होश नहीं आया उसे अभी तक। दो चार जगह फ्रैक्चर भी हुआ है, दिमाग में भी चोट लगी है। अम्मा दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए। अच्छा बेटा, आफाक को जब होश आ जाए तो मुझे बताना। जी, अल्लाह हाफिज़।